नमस्कार दोस्तों, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ वसई के निर्मल गांव में, यहाँ पर जगतगुरु शंकराचार्य की समाधि है। ये देखिए मंदिर को बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया है और मंदिर अभी रात के 11 बज रहे हैं तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर जो शंकराचार्य की समाधि है ना, उनके समाधिस्थ होने के दिन से एक हफ्ते का यहाँ मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला रहता है और दूर दूर से जो भक्त लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये मेला जो है बहुत प्राचीन काल से ही लगता आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग अभी चलेंगे मेले में, मेला देखेंगे। और अभी तो मंदिर बंद हो चुका है, मंदिर में शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, परशुराम की, ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और ये देखिए इस मंदिर की भव्यता आप इस दीपमाल से को देख करके लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा। दोस्तों यहाँ से आप सब देख सकते हैं नीचे मेला लगा हुआ है और मंदिर एक ऊँचे स्थान पर स्थित है और मंदिर के नीचे ही, मंदिर से थोड़ा दूर पर मेला लगा हुआ है। मंदिर के आसपास मेला लगने नहीं दिया जाता है जिससे कि मंदिर की शांति भंग ना हो। और मंदिर के अंदर शूटिंग की मनाही भी है तो इसलिए हम लोग मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाएंगे, चल करके मेला देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा बैलून सिर्फ 10 रुपए में बिक रहा है। गैस वाला गुब्बारा कैसा भाई साहब? ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा झूला है, इस तरफ नाव के जैसा झूला है। ये देखिए इस तरफ बड़ा सा जॉइंट व्हील लगा हुआ है और इधर मौत का कुआं। मेले में कितनी भीड़ है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इधर जायंट हिल कितना बड़ा है, 4 मंजिलों के बराबर ऊंचाई है कम से कम इसकी। इस तरफ अलग ही टाइप का झूला लगा हुआ है। कौन सा झूला है? डोला डोला, एक डोला डोला झूला है, 80 रुपए एक जन का टिकट है। ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म घूम रहा है, उसके ऊपर जो बैठने की व्यवस्था है वो भी घूम रही है, पूरा सिस्टम घूम रहा है। और लोग एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे हैं। इधर खिलौने का स्टॉल लगा हुआ है, 120 रुपए में कोई भी खिलौना। दोस्तों यहाँ जगतगुरु शंकराचार्य की समाधि है और एक तीर्थ क्षेत्र भी है, यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ एक बड़ा सा मेला लगता है। जिस दिन शंकराचार्य ने समाधि ली थी उनके समाधिस्थ होने के दिन को बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से इस तरह से मेला पहले 1 महीने का हुआ करता था, लेकिन अभी ये मेला धीरे धीरे 10 दिनों का लगने लगा है। इस तरह से निर्मल का मेला जो है बहुत बड़ा मेला है, आप देख सकते हैं हजारों दुकानें इस मेले में लगी रहती हैं और यहाँ पर हर तरह के सामान आपको बिकते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। दोस्तों निर्मल का यह मेला वसई और आसपास के क्षेत्रों में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। आधिकारिक रूप से मेला 8 दिनों का रहता है, लेकिन 8 दिन पहले से लेकर 8 दिन बाद तक, अर्थात लगभग 3 हफ्ते तक ये मेला चलता है। प्रसाद की दुकान है, प्रसाद और मिष्ठान बिकते दिखाई पड़ जाएंगे आपको। ये देखिए हीलियम गैस का बैलून देख रहे हैं भाई साहब,
घर में लगने वाले सारे बर्तन यहाँ मिल जाएंगे आपको। AK-47 रखा हुआ है देखिए। दोस्तों निर्मल का मेला देखकर हम लोग वापस आ गए। निर्मल मेले का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, बाय बाय।